श्वानि देव सवित दुरितानि परासुव यद्वद्रं तन्नासुव ओम हिरण्यगर्भः समवत्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं ध्यामुतेम कस्मै देवाय हविषाभिधेम ओम आत्मदावलदा यश विश्व उपासते प्रशिशं यश देवाः यश छायामृतं यश मृत्युः कस्मै देवाय हविषाभिधेम ओम प्राणतो निमिषतो महित्वैकैत्र जा जगतो बभूवा यैसे यश द्विपदस्य तुष्पदः कस्मै देवाय हविषाभिधेम ओम ये नद्योरुग्रा पृथिवी च दृढा येनश्च सवितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजशो विमानः कस्मै देवाय हविषाभिधेम ओम प्रजापते नत्वदेतान्यो विश्वा जातानि परिता बभूवा यकामास्ते जुहुमस्तनो अस्तु वयम् श्यामपतयो रयीणाम् ओम शन्नो वन्दुर्जनिता शविदाता धामानि वेद भुवनानि विद्वान् यत् देवा अमृतमान शानास्तिति ये धामन्न धैरयन्ता ओम अग्नेनय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुन्नानि विद्वान् यो यो दश्मजुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विदेम अभी हम यज्ञ आरंभ करेंगे। पहले यज्ञ आरंभ करने से पहले मैं सबको यज्ञ के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। यज्ञों वै श्रेष्ठतमं कर्मम, क्या है इसका मतलब? कि यज्ञ सबसे श्रेष्ठ कर्म में जाता है। तो क्या क्या है उसमें? उसमें है कि हम पूजा यज्ञों में आते हैं तीन पार्ट्स, ठीक है? क्या है उसमें? एक है पूजन करना, एक है संगति करना और एक है दान, ठीक है? अब हमारा पूजन करना, हम किनको पूजन करते हैं? जो हमसे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनको पूजन करते हैं। पूजन का मतलब ये नहीं है कि फूल चंदन ले लिए और धूप ले लिया और उनको पूजन किया। उनसे जो हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, उनको रेस्पेक्ट करना, ये सब पूजन में जाता है। और संगतिकरण, जो हमारे समकक्ष हैं, जैसे हमारे दोस्त हैं, हमारे आस पड़ोस में जो रहते हैं, उनसे उनके साथ अच्छे से व्यवहार करना, उनको सपोर्ट करना, उनके साथ हाथ मिलाकर चलना, उनको जब जरूरत है उनसे उनको अच्छे से बात करना, ये है संगतिकरण। और दाना क्या है? दाना ये है, यह है कि जब हम किसी को, जरूरी नहीं है कि पैसों का दान देना। कभी कभी एक एक ये महू मधुर वाचित मुख से बात बोलना, किसी के साथ अच्छे से बात करना, किसी गरीब का बात दुख सुनना, यही दान का एक सही अर्थ हो सकता है। अब यज्ञ दो तरह के होते हैं, एक है महायज्ञ, एक है यज्ञ। यज्ञ किसे कहते हैं? जिसे हम रोज, जो हम रोज नहीं, जैसे रामनवमी के दिन हो गया, कोई अच्छा मुहूर्त हो गया, कोई अच्छा ओकेजन हो गया, जो यज्ञ करते हैं उसे कहते हैं यज्ञ। महायज्ञ वो यज्ञ है जो रोज करने चाहिए हर इंसान को। उसमें आते हैं पांच तरह के यज्ञ। उसमें आते हैं, एक है ब्रह्म यज्ञ, जो है मेडिटेशन, जो हम लोग प्रातःकालीन करते हैं, सुबह जो 4 बजे, जैसे डॉन, जब हम लोग डॉन बोलते हैं, जैसे सुबह सूर्य उदय से पहले जो करते हैं, उसको हम कहते हैं ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म मुहूर्त में जो यज्ञ करते हैं उसे ब्रह्म यज्ञ कहते हैं। फिर है देव यज्ञ। देवता कौन है? जो देते हैं और लेने की आशा नहीं रखते हैं, वो है देवता। तो इसीलिए देवयज्ञ, देवयज्ञ में देवत्व को ग्रहण करना, मतलब देवता का वो जो गुण है कि देते हैं और लेने की आशा नहीं रखते हैं, उसको, उसके लिए यज्ञ करना है देवयज्ञ। फिर है पितृयज्ञ। हमसे जो बड़े बुजुर्ग हैं और हमारे जो माता पिता वर्गीय जो लोग हैं, माता पिता वर्गीय जो लोग हैं, आप लोगों ने सब तो श्राद्ध के बारे में सुना होगा।
जब माता पिता गुजर जाते हैं या कोई बड़े बुजुर्ग गुजर जाते हैं तो श्राद्ध करते हैं, पर श्राद्ध का सही अर्थ क्या माता पिता गुजर जाने के बाद का होता है? नहीं, श्राद्ध जब माता पिता जीवित हैं उनका श्रद्धा करना है श्राद्ध, श्रद्धा करना होता है श्राद्ध। और तर्पण क्या है? जो जिंदा जो माता पिता हमारे पास हैं और जो बड़े बुजुर्ग हमारे पास है उनको तृप्त कर पाना वो है तर्पण। ये दोनों चीज आते हैं हमारे पितृ यज्ञ में। फिर है अतिथि यज्ञ। अतिथि इनका अर्थ तो आप लोग सब जानते होंगे, अतिथि जो बिना बताए आते हैं, अतिथि विदाउट एनी नोटिस। तो विदाउट एनी नोटिस अगर कोई आते हैं तो उनका जो सत्कार करना, उनको घर में बुलाना, आजकल तो हम सबको फोन करके बुला देते हैं, अच्छा आप आ जाइएगा, ये तो तिथि डिसाइडेड है कि अभी आने वाले हैं। तो इसीलिए अतिथि जो आते हैं उनको बोलते हैं अतिथि, मतलब गेस्ट, गेस्ट का पूजन करना होता है अतिथि यज्ञ। फिर है बलि वसुदेव यज्ञ। बलि वसुदेव यज्ञ मतलब सैक्रिफाइस करना। क्या है? हम अपने खुशी को सैक्रिफाइस करेंगे किसके लिए? जो हमसे निम्न है, जैसे कोई ऑर्फन हो गया, कोई ओल्ड एज होम में हमारे वरिष्ठ लोग हैं, या फिर कोई जैसे पशु पक्षी हैं जो अपना खुद का खाना ये नहीं कर सकते, खाना पदार्थ को तैयार नहीं कर सकते, उनको देना, ये है बलि वैश्वदेव यज्ञ। तो महायज्ञ में 5 तरह की चीजें होंगे, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ और अतिथि यज्ञ और बलि वैश्वदेव यज्ञ। अभी हम यज्ञ आरंभ करते हैं। यज्ञ आरंभ करने से पहले हम अपने, क्योंकि हम कोई शुभ काम करने जा रहे हैं, उससे पहले हम अपने आप को क्लीन करना चाहिए। उसके लिए हम अभी ये आचमन करेंगे। आचमना करेंगे हम लोग राइट हैंड से। अभी कर्ता कर रहे हैं, अगर आप में से कोई करना चाहते हैं तो आप भी कर सकते हैं। उसमें हम लोग राइट हैंड को कप करना है, लाइक दिस, ऐसे में, इसको पूरा क्लोज कर दीजिए, ऐसे, हाँ मैम, इसको पूरा क्लोज कर देंगे, पानी गिर जाएगा। हाँ, तो क्योंकि हम लोग राइट हैंड से हम लोग का खाना और सारे कार्य हम लोग राइट हैंड से करते हैं, तो इसीलिए हम लोग जो आचमन लेंगे, इसको पिएंगे, तो वो राइट हैंड से करेंगे। आप लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में ले लीजिए। पहला मंत्र, ओम अमृतोपस्त्रणमसी स्वाहा। फिर नेक्स्ट, ओम अमृतोपिधानमसी स्वाहा। फिर लेके, हाँ, ओम सत्यम यशस्वी महिषी शैताम स्वाहा। ये हो गया हम लोग का 3 मंत्र जिसमें हम आचमन लेते हैं। अभी हम करेंगे अंग स्पर्श, सेम थिंग मैम, लेफ्ट हैंड में कप करके, हाँ, उसमें हम लोग लेंगे अंग स्पर्श। हमारे जितने ऑर्गन्स हैं, जितने भी हम लोग अंग प्रत्यंग हैं, हम उन भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु जब तक जीवित हैं हमारे सारे अंग प्रत्यंग अच्छे से काम करें, जो आंख है, जो नाक है, जो कर्ण है, अच्छी बात सुने, वी शुड हियर गुड थिंग्स, वी शुड हियर सी गुड थिंग्स। तो इसलिए हम भगवान से प्रार्थना करें जब तक जीवित हैं ये सब हमारा अच्छे से चलते रहे और हम अच्छे मार्ग पर चले, ये सब हमारा अंग को इस्तेमाल करेंगे। यूज इंडेक्स फिंगर, हम लोग कभी भी हवन में कोई भी में इंडेक्स फिंगर यूज नहीं करते क्योंकि ये ईगो का प्रतीक है। तो वी विल यूज ओनली मिडिल फिंगर एंड रिंग फिंगर। ओम बांक में आशयस्तु, राइट देन लेफ्ट। ओम नसोर में प्राणमस्तु। ओम अखनोर में चक्षुरस्तु। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु। ओम बाहोर में बलमस्तु। ओम उर्भो में ओजस्तु। ओम अष्टानि मंगानि तनु सन्मानि सह संतु फॉर ऑल ऑर्गन्स। ठीक है, अभी हम अग्नि का स्थापन करेंगे। अग्नि क्या है? अग्नि इज द ग्रेटेस्ट डिसइंटीग्रेटर इन द वर्ल्ड। तुम अग्नि में कुछ भी डाल दो वो भस्म हो जाएगा। तो हम अग्नि में क्या डाल रहे हैं वो जरूरी है जानना। अगर हम अग्नि में मिर्ची डाल रहे हैं तो कोई नहीं बैठ सकता है, सब भाग जाएंगे। अगर अग्नि में घी डालेंगे तो हर जगह सुगंधमय हो जाएगा और एक बहुत अच्छा एनवायरमेंट में वो मॉलिक्यूल्स ऑफ घी डिसिपेट हो जाएगा एंड इट विल गिव एन इमेंस प्लेजर टू आवर माइंड। तो अभी हम अग्नि स्थापन करेंगे। हाँ,
पृथिवी भवरिम् नातस्यास्ते पृथिवी देवयजनि पृष्ठे अग्निम् मन्नाद्यायादधे। अभी हम जानते हो ना, फायर ऑक्सीजन जब देते हैं, फायर ज्यादा जलता है, तो अभी हम ऑक्सीजन लेंगे। कैसे देंगे? हम बोलेंगे उनको ओम उद्भुत, वी विल फैन द होम हवन का ये, ठीक है, फैन करना है तो ऑक्सीजन ज्यादा जाएगा। चलो इधर करो। हाँ, ओम उद्बुद्ध स्वाग्ने प्रति जागृही त्वमिष्टा पूते संसृजयथा मयञ्च अस्मिन् सदस्ते अद्युतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदता।